जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। पिछले कुछ वीडियोस से मैं इसको अलग अलग टॉपिक इसके एक्सप्लेन करती चली आ रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। और एज आई डू ऑलवेज, I'll just brief you whatever I had taught you. Through the previous videos, we had seen that the various revolution evolved in Russia. 1905 revolution होता है वहाँ पे, बहुत सारे revolution होते हैं, October revolution होता है, and in spite of so many revolutions, there nothing was normal in Russia. इतने revolution होने के बाद भी चीज़ें सुधरती नहीं हैं. There were challenges, है ना, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं रशिया के सामने। देयर वॉज सिविल वॉर आफ्टर द बोल्शेविक पार्टी गॉट स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन रशिया, बट द मेन एजेंडा ऑफ दिस पार्टी वॉज टू मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी। बोल्शेविक पार्टी आती है, शुरू में लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिविल वॉर की कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक पार्टी के एक्शन से बाद में लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके जो सपोर्टर्स थे उनमें भी। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक पार्टी क्या चाहती थी? सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहती थी। Now we are going to discuss today that how did they become, they make a socialist society. Now I think that it is clear to you that what is going to be the content of today's videos. आज हम वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। Look here, banks and industries were nationalized. Collective work was performed by peasants or confiscated land. देखो, to make a socialist society, banks and industries were nationalized. After the seizing of land, it was distributed among the peasants who started to work there collectively. सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या करता है? एफिल थीसिस में लिखा होता है ना कि बैंक्स और जो इंडस्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन शुरू हो जाता है वहाँ पे। जब बोल्शेविक पार्टी आती है तो वो सारी चीज़ों को लेके आती है, ठीक है? और आफ्टर द सीजिंग ऑफ लैंड, लैंड को जब वो सीज करती है कि नहीं इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, किस में होगा? पीजेंट्स में होगा, ठीक है? तो हु स्टार्टेड टू वर्क देयर कलेक्टिवली, ताकि सब एक साथ मिलकर के काम कर पाए। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त की गई जो जमीन होती है। अब देखो, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ एवरीथिंग वॉज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु असेस्ड how the economy could work and set target for a 5-year period, है ना? क्या करते हैं, सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। प्लानिंग जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग तैयार होती है, ये सब कुछ कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बैठ करके करते हैं लोग, और इकोनॉमी का एक टारगेट फिक्स करते हैं 5 years का, है ना? मतलब 5 साल के लिए हमारी इकोनॉमी कैसे काम करेगी, इसको बैठ करके वो पूरा एक प्लान बनाते हैं, ठीक है? टू सेट 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान, सॉरी फर्स्ट 5-year प्लान, ईयर प्लान यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट 5-year प्लान होगा 1927 टू 1932 और 1933 से लेकर के 1938 तक। दिस 5-year प्लान प्रूव्ड अ ह्यूज सक्सेस फॉर रशियन इकोनॉमी। हाँ, अब देखो इसको पहले समझो। 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड, टारगेट हैड बिन सेट फॉर अपकमिंग 5-year इकोनॉमी, है ना? 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं और फिक्स कर दिया जाता है कि अगले 5 साल में इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या टारगेट है, हमको कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें सेट कर दी जाती हैं। हाउ कुड इट डील, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक चेंजेस फॉर 5 years, ऑल हैड बिन प्रिपेयर्ड, है ना? ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? दिस 5-year प्लान प्रूव्ड अ ह्यूज सक्सेस फॉर रशियन इकोनॉमी, है ना? कैसे? द फर्स्ट 2-5-year प्लान ह्यूज इंडस्ट्रीज ग्रोथ, ठीक है? द फर्स्ट 2-5-year प्लान लेड ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक? अब देखो इसको समझो। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हाईली इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड न्यू फैक्ट्री बिगन टू कम अप, जैसे ऑयल की, स्टील की प्रोडक्शन बनाने वाली जो कंपनी थी वो डबल हो जाती है, है ना? इंडस्ट्रीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक? और फैक्ट्रीज़, कौन सी फैक्ट्रीज? ऑयल की, स्टील की स्पेशली, डबल इनका प्रोडक्शन हो जाता है।
In this way, Bolshevik Party took over followed the ideology of socialism, and the result of it seems good, but not 100%. Bolshevik Party अच्छा काम करती है, उसका result अच्छा दिखना भी शुरू होता है, लेकिन अभी 100% success नहीं मिलता, ठीक है? फिर है, however, there was a dark side to it, यानी कि इसका कुछ negative aspect भी होता है. कौन कौन सा? Rapid construction led to poor working condition. यानी वर्कलोड जो है वो इंक्रीज कर जाता है, चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रमोशन मिलता है ना, इस तरह तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो बाल श्रमिक जो है वो वहाँ पे बन जाते हैं, ये समस्याएं आती हैं. और क्या होता है, वर्कर्स लीव्ड हार्ड लाइफ्स, है ना, द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स वॉज पिटिएबल, देर वॉज नॉट सैनिटेशन फैसिलिटी. वर्कर्स की कंडीशन क्या है, ख़राब है, उनको कोई भी साफ सफाई सुविधाएँ कुछ भी नहीं मिल रही हैं. और क्या है, frequent stoppages, जैसे example दें 550 stoppages of work in the first year alone, यानी पहले ही 5 year का जो plan था, 5 year का, उसमें किसी न किसी कारण से कम 550 times, यानी 550 बार काम रोके गए, है ना. 5 year के लिए plan बना था, लेकिन उसको अकेले पहले ही planning को 550 बार रोक लिया गया. अब आप सोच लो, है ना, कितना unlimited था, कितनी अनगिनत बार ये हुआ. So these were the negative part of socialist society. Now you are thinking that are there any effort not taken by the government? Yes, definitely. आपको लग रहा होगा ना कि क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, उसने कुछ नहीं किया? किया ना. Government took following steps to improve the condition. है ना, government ने बहुत सारे steps लिए. क्या किया? A vast schooling system developed for workers and peasants. During the revolution period, the education system was totally distributed, but now that had been solved. Revolution ka jo period tha, us samay education system puri tarike se disturb hota hai. But now that had been solved. Hai na? Children at school in Soviet Russia, keh sakte hain 1930s ke agar daur ki hum baat kare, to government sponsored school was common. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से स्कूल प्रमोट किए जाते हैं, है ना. फिर है द फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स, क्रशेस वेर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज. देखिए क्रशेस क्या होते हैं, क्रशेस फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड टू वुमेन एम्प्लॉय, जो फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर्स होती हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो उन्हें लेके आती हैं तो उनको कहाँ रखें, उनको उनके साथ वो काम कैसे करें, तो ऐसे विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए क्रशेस की फैसिलिटी दी जाती है फैक्ट्रीज में. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट, है ना. अच्छी, चीप मतलब क्या, घटिया क्वालिटी नहीं, चीप मतलब सस्ता, सस्ता उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स सेट किए जाते हैं जो कि मॉडल होते हैं, आदर्श होते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उसमें उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है. फिर है, however, impact of all these effort was limited because the resources of government were limited. कहता है कि government had taken above steps for improvement, but the effect was uneven. Government बहुत कोशिश करती है कि वो इन सारी चीज़ों को संभाल ले, है ना, उसको टेक ओवर करने की, इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब जगह बराबर में सुधार नहीं आता. इफेक्ट जो होता है उसकी इस प्लानिंग का, वो अनइवन होता है. इट्स इम्पैक्ट कुडंट बी सीन ऑन ब्रॉड लेवल, है ना, बड़े पैमाने पर इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलता. क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट हैड लिमिटेड रिसोर्सेज विच वॉज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड एवरी वन. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो हर एक तक उसकी एक्सेस हो, ये मुश्किल है करना. अच्छा, अभी यहाँ पे मैं एक और बात कर लूँ, आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे ये भी डिस्कस करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हाउ द सोशलिस्ट सोसाइटी वॉज मेड इन रशिया आफ्टर द बोल्शेविक टुक ओवर ऑफ पावर, है ना. बोल्शेविक पार्टी जब सत्ता ले लेती है तो कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है रशिया में. या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, वर देयर एनी चैलेंजेस, है ना, क्या वहाँ पे कोई चुनौतियाँ थी रशिया में, तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, वो जो डार्क साइड वाला अभी हमने पढ़ाया ना, वो पूरा आप लिख दोगे कि क्या प्रॉब्लम थी, चाइल्ड लेबर था, है ना, ये सारी चीज़ें थी. फिर
What steps did government to overcome those challenges? Government क्या steps उठा रही थी? अभी अभी मैंने ये आपको बताया है ना कि इस problem को, इस challenges को overcome करने के लिए government कौन सा effort लगा रही थी? फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, what was the limitations, है ना, क्या चुनौतियाँ थीं, क्या problems थीं। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका concept clear है। Till now we had studied together that Russia became a socialist society in true sense, है ना, एक सच्चे मायनों में रशिया जो है वो धीरे धीरे socialist society बन जाता है। लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्टालिनिज्म, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, व्हाट इज स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। अगले वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि स्टालिनिज्म क्या है और कलेक्टिवाइजेशन क्या है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू, जय हिंद।